नमस्कार टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। प्रदेश नंबर दू सरकार में माओवादी केन्द्र सेहो सहभागी भेल संबंधी प्रसंग से। प्रदेश नंबर दू सरकार में सहभागी भेल नेकपा माओवादी केन्द्र के दू गोट सांसद मंत्री पद के शपथ ले लेने। जनता समाजवादी पार्टी के उपेन्द्र यादव पक्ष के मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव और राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा पार्टी के निर्देशना अनुसार राजीनामा दिलाक बाद मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र के दू गोट सांसद के मंत्री बनौलक। मंत्री बनल नेकपा माओवादी केन्द्र के संसदीय दलक नेता भरत प्रसाद शाह, प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश अहिरा सा आई पद तथा गोपनीयता के शपथ ले लेने। राज्य मंत्री रूबी कुमारी कर्ण मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत संग शपथ लेने। शाह के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री के जिम्मेदारी दल गेल। कर्ण के आंतरिक मामला तथा संचार राज्य मंत्री के जिम्मेदारी दल गेल। शपथ के क्रम में नवनियुक्त दुनू मंत्री ईश्वर शब्द छोड़ौने। मंत्री शाह ईश्वर के सत्ता कोनो शब्द उच्चारण नहीं केने। राज्य मंत्री कर्ण ईश्वर के सट्टा शहीद के नाम में शपथ लेली। इससे पहले माओवादी के दू गोट मंत्री बनेबाक तैयारी भेल रहितो। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अंतिम में एकटा मात्र मंत्रालय देबाक अड़ान लेलक बाद कांग्रेस मात्र सत्ता में गेल छल। राउत अपने पार्टी भीतर के मान ठाकुर पक्ष के एक मंत्री आ तीन राज्य मंत्री के पद से हटाकर मिथिला जेठ 26 गते नेपाली कांग्रेस के सेहो सरकार में सहभागी करा चुकल। नवनियुक्त मंत्री द्वय के शपथ ग्रहण के समय बेरिया 3 बजे के लिए निर्धारण कैल गेल रहितो। शपथ ग्रहण समारोह 1.5 घंटा बेर शुरू भेल छल। नवनियुक्त मंत्री शाह शपथ की भाषा के विषय में बात नहीं मिला सा शपथ ग्रहण समारोह लेट क शुरू भेल छल। मंत्री द्वय मातृभाषा मैथिली में शपथ लेबाक अड़ान लेने छल, मुदा कानून अभाव के कारण अपना सबके राष्ट्रीय भाषा में शपथ लेब पड़ल। मंत्री शाह बतौलन शपथ ग्रहण लगते ओ मातृभाषा में शपथ संबंधी अध्यादेश लेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। मंत्री द्वय प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश झा अहिराज के मैथिली भाषा में प्रतीकात्मक शपथ के पत्र सेहो बुझौने छल। नवनियुक्त मंत्री शाह महोतरी क्षेत्र नंबर 1 ख से प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद अछि। कर्ण सप्तरी निवासी समानुपातिक सांसद अछि। बहुप्रतीक्षित जनकपुरधाम जयनगर रेल प्रति घंटा 120 किलोमीटर के गति में काल रवि दिन परीक्षण हेबाक भेल। रेल संचालन पूर्व के तैयारी के सिलसिला में रेलवे ट्रैक के स्पीड टेस्ट आ सर्टिफिकेशन करबाक काम रवि दिन हेबाक नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक गुरु भट्टराई सूचना जारी कलक। अपन सामाजिक संजाल में सूचना जारी करते रेलवे लीग के स्पीड आ सर्टिफिकेशन करबाक काम हेबाक जानकारी करौलक। महाप्रबंधक भट्टराई के अनुसार भारत के ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डीजल लोकोमोटिव द्वारा स्पीड टेस्ट कैल जाए। स्पीड टेस्ट कला पर रेल की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा हेबाक भेला से रेलवे ट्रैक में सुरक्षा महत्वपूर्ण होत। रेल के रेलवे ट्रैक कातकरोड के आम नागरिक के ट्रैक में व्यक्ति गाय भैंसी चौपाया साइकिल मोटरसाइकिल बाल बच्चा नहीं छोड़ आ ट्रैक से दूरी कायम कर देब अनुरोध कैल गेल। महाप्रबंधक भट्टराई उल्लेख कयने ओ परीक्षण के क्रम में ट्रैक तथा स्टेशन सब में पर्याप्त प्रहरी तथा कर्मचारी खटाओल जाए। परीक्षण के विषय में सूचना जारी भ चुकल आ अवज्ञा का कोनो दुर्घटना भेल त व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार हेबाक आ कानून अनुसार कार्रवाई सेहो कैल जेबाक ओ चेतावनी देने। जिम्मेदार भ देब जयनगर जनकपुरधाम कुर्था खंड के नागरिक सबके महाप्रबंधक भट्टराई अनुरोध कयने। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के अध्यक्ष मोहन ठाकुर पक्ष के 5 सांसद गुट परिवर्तन करे दोसर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष में गेल। पार्टी कार्यालय बालकुमारी में आज बैसल जसपा उपेन्द्र पक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष के संसदीय दल के विस्तार में ठाकुर पक्ष में रहल प्रमोद शाह अमृता अग्रहरी रानी मंडल आ नरमया ढकाल सहभागी भेल। तहिना सांसद रूही नाथ सेहो अपने यादव पक्ष में रहल आ उपत्यका बाहर रहला से विस्तार में सहभागी हो नहीं सकल जानकारी कराने जसपा सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव जानकारी दिलन। संसदीय दल के अनौपचारिक बैसार में संसद में निर्वाह कर वाला भूमिका के बारे में विमर्श भेल यादव बतौलन। तहिना वो निर्वाचन आयोग से पार्टी के विषय में निर्णय कल के बाद संसदीय दल के नेता चयन लगात के प्रक्रिया शुरू करवाक से बतौलन। औपचारिक रूप में बैठक थी हमी पहले देखी जब 12 जना तो छदे थी प्रतिनिधि सभा को 12 जना राज्यसभा को 2 जना
तो पहले देखी नहीं छौ र आज त्यो पक्ष जुन महान ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्ष जले भनिन्छ त्यसबाट पनि केही साथीहरु चाहिँ यता चाहिँ आज उपस्थित भएर म हामीहरु चाहिँ यतै रहन्छौ यो त्यो चाहिँ वहाँहरु पनि उपस्थिति जनाउनु हो चाहिँ यसरी माननीय विजेता जसपा के दुनू पक्ष निर्वाचन आयोग के अपना सबके अलग करा देवा आग्रह कर चुकल है। पांच सांसद यादव समूह में लगला के बाद अब यादव समूह आरो मजबूत हेबाक देखल गेल है। 32 सांसद में से अब यादव पक्ष में 17 सांसद रहल है त ठाकुर पक्ष में 15 सांसद रहत। एक महीना पहले जसपा महंत पक्ष के मंत्री सबके हटाकर कांग्रेस के शामिल कराने प्रदेश दू के मुख्यमंत्री लाल बाबू राव अपने पार्टी के दू मंत्री के राजीनामा देवा लगाकर माओवादी के सरकार में शामिल करौल प्रदेश नंबर दू में मंत्री पद से राजनामा देवबला में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आ राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा रहल प्रदेश के गृहमंत्री समेत रहल मंत्री यादव आई भिनसर मुख्यमंत्री राउत समक्ष राजनामा पत्र बुझबित संघीयता के संस्थागत करवाक लेल अग्रगमन शक्ति सबके मोर्चाबंदी कह आगा बढ़नाई राष्ट्र की आवश्यकता रहल आ विभिन्न दल के प्रदेश सरकार में समावेश केनाइ लक्ष्य रहला सब ओके लेल मुख्यमंत्री के लेल मार्ग प्रशस्त करैत संघीयता के मजबूत बनाबी के लेल राजीनामा देने बतौलन। हाम्रो ठूलो बलिदानी पश्चात नेपाल में संघीय गणतंत्र स्थापना भएछ र संघीय गणतंत्र स्थापना भएपछि हमारा पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीजीले देशलाई प्रतिगमनतिर लग्यो र यहाँ संघीयतालाई संस्थागत गर्नको लागि अग्रगमन शक्तिहरूले अग्रगमन राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्यो त्यसको विपक्षमा आवाज उठायो र सम्माननीय सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद पनि पुनर्गठन भयो र यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण अग्रगमन राजनीतिक शक्तिहरूको मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्नु अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकता छ र यो आवश्यकता अनुसार विभिन्न दलहरूलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर दुईको सरकारमा समावेश गराउनु हाम्रो लक्ष्य रहेको थियो र त्यो लक्ष्य अनुसार हामी अब आज माओवादीलाई पनि प्रदेश नम्बर दुईको सरकारमा समावेश गराइरहेछौँ र यसरी समावेश गराउँदाखेरि कुनै न कुनै मन्त्रालय छोड्नुपर्ने आवश्यकता थियो र त्यस कारणले मैले चाहिँ आन्तरिक मामला तथा सूचना सञ्चार मन्त्रालय छाडे र मन्त्री यादव र राज्य मन्त्री कुशवाहा दुनू जसपा उपेन्द्र यादव पक्षके नेता छथि। एहि दरे मुख्यमन्त्री राउत आई माओवादी केन्द्रके एक मन्त्रालय दक मन्त्री परिषद विस्तार कयलक अछि। पहिलेसँ दुटा मन्त्रालय मात्र लऽ कऽ प्रदेश सरकारमे सफा घेबाक अडानमे रहल माओवादी केन्द्र एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय लऽ कऽ सरकारमे सहभागी भेल अछि। प्रदेश सरकारमे माओवादी केन्द्र संसदीय दलक नेता भरत प्रसाद शाह मन्त्री आ रूपीकरण राज्य मन्त्री बनल अछि। दुनू गोटे आइ 4:30 बजे मधेश भवनमे पत्रता गोपनीयताके शपथ लेलक अछि। प्रदेश नम्बर दू सरकार बितला आर्थिक वर्षमे सबसँ बेसी पूँजीगत दिस बजेट खर्च केने जनौलक अछि। आर्थिक वर्ष 77-78 मंत्री परिषद कार्यालयके लेल 3,35,73,70,000 रुपया विनियोजन केनेमे ओहिके 85.59% अर्थात 2,87,35,65,725 रुपया खर्च भेल प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामके प्रमुख राधेश्याम गिरी जानकारी देलनि। हुनकर अनुसार सामाजिक विकास मंत्रालय के लिए पूंजीगत दिस 2,22,18,65,000 रुपया विनियोजन कैल गेल में ओके 84.18% अर्थात 1,87,04,06,907 रुपया खर्च कर सकल है। एना भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के लिए पूंजीगत दिस 9,41,50,84,000 रुपया विनियोजन कैल गेल में 70.34% अर्थात 6,62,29,40,091 रुपया खर्च भेल प्रदेश लेखा कार्यालय जनौलक अछि। तहिना उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के लेल 2,07,86,49,000 रुपया विनियोजन कयल गेल में ओहिके
66.49% अर्थात 1,38,21,07,699 रुपया खर्च भेल अछि। तेना आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय के लेल पूंजीगत दिस 5,17,07,000 रुपया विनियोजन कयल गेल में ओहि के 56.92% अर्थात 2,94,33,622 रुपया खर्च भेल अछि। तहिना भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के लेल पिछला आर्थिक वर्ष में पूंजीगत दिस 1,43,79,89,000 रुपया विनियोजन कयल गेल में ओहि के 53.62% अर्थात 77,10,89,669 रुपया खर्च भेल प्रदेश लेखा कार्यालय जनौलक अछि। सबसे कम आंतरिक मामला तथा योजना मंत्रालय पूंजीगत बजट खर्च केने प्रमुख गिरी बतौलनि। मंत्रालय के लेल आर्थिक वर्ष 77-78 में 72,86,17,000 रुपया विनियोजन कयल गेल में 46.32% अर्थात 33,75,12,419 रुपया खर्च भेल कार्यालय जनौलक अछि। जनकपुरधाम से पैघ परिमाण में लागू औषध सहित एक युवक पकड़ाव पड़ल अछि। पकड़ल गेल में धनसा के छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 10 रहनिहार 25 वर्षक संतोष यादव रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनसा जनौलक अछि। भारतीय बाजार से नेपाल लावा लागल अवस्था में धनसा प्रहरी के टोली यादव के जनकपुरधाम से पकड़ाव कयने अछि। गुप्त सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय धनसा से खटल सादा पोशाक के प्रहरी टोली यादव सवार जतीन पर 2778 नंबर की मोटरसाइकिल सहित 1500 पीस नाइट्रो भेट भांग वाला चॉकलेट 24 पैकेट चक्कू एक थान अराज निवास 3 पैकेट बरामद कलक अछि। पकड़ाव पड़ल यादव के थप अनुसंधानक लेल जिला प्रहरी कार्यालय धनसा में राखल गेल अछि। धनुषा में एक ही परिवार के 2 बच्चा के नदी में डूबि कर मृत्यु भेल अछि। डूबि कर मृत्यु होवला में जिला के धनौजी गाँव पालिका 5 बहुहरवा के कृष्ण कापर के 8 वर्षक पुत्र राकेश कापर आ दीपू कापर के 6 वर्षक पुत्र आशिक रहल अछि। दुनू बच्चा धान रोप मैं बाबू संगे खेत में गेल छल। ओहि क्रम में खेत नजदीक रहल मखनाहा नदी में नहा के क्रम में डूबि कर मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति के सदस्य श्याम कुमार घिमरे ऊपर आक्रमण करबला के कार्रवाई कर निर्देशन दिलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालबाजार में आई बैसल के कांग्रेस पदाधिकारी बैसार से क्रियाशील सदस्यता छानबीन के क्रम में घिमरे ऊपर आक्रमण करबला सिंधुपाल चौक क्षेत्र नंबर 1 के सभापति बालकृष्ण बसनीत एवं घटना में संलग्न भेल सबके कार्रवाई कर पार्टी के अनुशासन समिति के निर्देशन दिलक अछि। विचार के बाद कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा बसनीत एवं आक्रमण के घटना में संलग्न भेल व्यक्ति सब ऊपर 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण पत्र काट कर 3 दिन भीतर संगठन के अनुशासन के कार्रवाई करबाक लेल निर्देशन देने जानकारी दिलन। आवश्यक कार्रवाई कर अनुशासन समिति के संयोजक भीष्म आ अंगदिम्बिंग के पत्र जीवाक अनुशासन समिति से आवश्यक कार्रवाई करबाक ओ बतौलन। पार्टी का केंद्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति का सदस्य श्री श्याम घिमिरे माथि आत्मपात गरेको विवरण यहाँहरुलाई जानकारी नै छ। आज को बैठक ले सभापति को सभापतित्व में बस को बैठक जिसमें वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला एवं पार्टी का सब पदाधिकारी उपस्थिति थी। सो बैठक ले क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति ले निर्णय गरेर ल्याएको पत्र बमोजिम नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नंबर 1 का सभापति बालकृष्ण बस्नेत एवं आक्रमणको घटनामा संलग्न भएका क्रियाशील सदस्यता के छानबिन स्थलमा पहुँचकर सांगठनिक कार्यमा व्यस्त रहल समयमा अचानक कयल गेल आक्रमण पार्टी के अनुशासित सदस्य के परिचय होब नै सकबाक कांग्रेस के ठहर अछि। छानबिन समिति के सदस्य घिमरे ऊपर शुक्रदीन सिंधुपालचोक के क्रियाशील सदस्यता बारे में विमर्श करबाक अछि कहैत आयल समूह कूटपीट कयने छल। नेपाल में आई ठप 1,875 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 6,858 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1,310 आ 3,208 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 565 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 7,14,248 पहुँचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 21 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 9,527 गोटे कोरोना के कारण जान गुमौने अछि। तहिना थप 2,100
64 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपालमे 630,407 संक्रमित ठीक भेल अछि। एखन 25,952 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 337 गोट क्वारेंटाइनमे अछि। एखन धरि नेपालमे 34,63,057 टा पीसीआर आ 259,831 एंटीजन परीक्षण कयल गेल, मंत्रालय जनौलक अछि। नेकपा एमाले के नेता सब पार्टी के एकता बद्ध बनेबाक प्रयास में लागल अछि। पार्टी के अध्यक्ष केपी ओली आ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच दूरी बढ़ल समय एमाले के नेता सब कार्यदल बुझौने सहमति पत्र के कार्यान्वयन में लजाए विमर्श में जुटल अछि। आई सिंहदरबार में भेल एमाले के स्थायी कमिटी सदस्य सब के विमर्श से कार्यदल के 10 बुंदे सहमति के आधार में पार्टी के एकता बद्ध बनेबाक निष्कर्ष निकालक अछि। पार्टी के एकता बद्ध बनाब संपूर्ण ध्यान केन्द्रित करबाक निष्कर्ष निकालल गेल, हुनका सब के कहब रहल अछि। एमाले नेता सुभाष निम्बांग पार्टी एकता के लेल अनुमोदन कयल गेल 10 बुंदे सहमति के कार्यान्वयन करैत आगा बढ़ला पर पार्टी एकताबद्ध बनाब सकबाक बतौलनि। ओ एमाले एकताबद्ध भेला पर देश के कम्युनिस्ट आंदोलन के लोकतांत्रिक आंदोलन के आ संविधान के सबल बनाब सकबाक कहे 10 बुंदे सहमति के कार्यान्वयन करैत आगा बढ़ के निष्कर्ष में पहुँचल बतौलनि। तेना एमाले नेता गोकर्ण बिष्ट पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता सबके योगदान से निर्मित पार्टी के एकताबद्ध बनेबाक प्रयत्न कयने बतौलनि। ओ पार्टी कार्यकर्ता में देखायल अन्योलता आ चिंता के दूर करबाक लेल अपने सब लगैत रहबाक धारणा रखलनि। चिंता बढेको देखिएको छ। त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन यही कुराबाट उत्प्रेरित भएर हामी छलफल गर्न बसेका छौँ। अब यो छलफललाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ र आजको छलफल भनेको भर्खरै पार्टीमा 10 बुँदे सहमति भएको छ। त्यो सहमति पत्र हामीले पार्टी अध्यक्षलाई बुझाएका छौँ र पार्टीका अर्का शीर्ष नेता माधव अझ पहिने शुक्रदिन बैसल एमाले स्थायी समिति विसार से कार्यदल तैयार कने 10 बुंदे सहमति अनुमोदन कने छ। अहि बीच एमाले केन्द्रीय कमिटी बैसार बजाउने छ। सोमदिन बेरिया 11 बजे ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति भवन में बैसार बसाओ गेल। एमाले कार्यालय सचिव शिव बहादुर तुमांग जानकारी दिलन। अत्यधिक वर्षा के कारण आयल भीषण बाढ़ में पड़ जर्मनी में 133 व्यक्ति के मृत्यु भेल, स्थानीय अधिकारी सब आई जानकारी दिलक अछि। एहि संगे एहि प्रकोप से यूरोप में 153 गोटे के मृत्यु भेल समाचार में जनाओल गेल अछि। बहुत क्षति जर्मनी में भेल अछि त बेल्जियम में कमती में 20 गोटे के मृत्यु होबाक संगे हरा रहल व्यक्ति सब के संख्या बेसी रहल बतल जा रहल अछि। जर्मनी के वेस्ट फेलिया प्रांत के नॉर्थ राइने बाढ़क सबसे बेसी प्रभाव पड़ल बतल जा रहल अछि। एहि प्रकोप से ओहिठाम 90 व्यक्ति के मृत्यु भेल अछि। ओहि क्षेत्र में एहिसँ पहिने ही 43 व्यक्ति के मृत्यु भेल, राज्य के अधिकारी सब जानकारी देने छल। नॉर्थ राइन वेस्ट फेलिया के प्रमुख आर्मिन लसेट अति प्रभावित क्षेत्र में पहुंचल समय मौसम के पराकाष्ठा के लेल जलवायु परिवर्तन के दोष देने अछि। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया, देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।